प्रदेश के दूसरी राजधानी धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा परिसर में जिला कांगड़ा के 15 निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों एवं अधिकारियों के लिए ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने की। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा परिसर में जिला कांगड़ा के 15 निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों एवं अधिकारियों के लिए ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने की। इस एक दिवसीय कार्यशाला में जिला कांगड़ा के 8 विधायकों, जयसिंहपुर के विधायक रविंद्र दीमान, ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह, इंदौरा के विधायक अनीता दीमान, बैजनाथ के विधायक मुल्कराज प्रेमी, पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल, देहरा के विधायक होशियार सिंह, नगरोटा के विधायक अरुण कुमार, पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन, एडीसी राघव शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष के निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी धर्मेश शर्मा व जिला तथा उपमंडल स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के उपरांत हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विधायकों, जनता, सरकार और अधिकारियों के परस्पर संवाद कायम करना है। उन्होंने कहा कि मोबाइल ऐप के माध्यम से विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा ले सकेंगे तथा कार्य में प्रगति लाने के लिए प्रयास करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के प्रति जनता को भी अवगत करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ई विधान, ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन, ई कमेटी तथा ई डायरी विधायक ऐप पर विधानसभा के आईटी प्रकोष्ठ द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन के माध्यम से अधिकारी भी क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में विधायक एवं जनता को सीधे रूप से अवगत करवा पाएंगे तथा कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आग्रह भी कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने सभी अधिकारियों से इस प्रणाली के अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कार्य दक्षता के साथ साथ पारदर्शिता तथा आम जनता की शिकायतों का निपटारा भी सुगमता से किया जा सके। उन्होंने कहा कि ई विधान प्रणाली को लागू करने वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की अग्रणी विधानसभा की श्रेणी में शामिल है। उन्होंने इस कार्यशाला में उपस्थित विभागाध्यक्षों को इसे आरंभ करने के निर्देश दिए, ताकि विकास कार्यों को और अधिक गति मिल सके। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला कांगड़ा के सभी 15 निर्वाचन क्षेत्रों, जिला मंडी के 10 तथा शिमला के 8 निर्वाचन क्षेत्रों की ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन की समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला एवं संबंधित उपमंडल स्तर के विभागाध्यक्षों को यूजर आईडी और पासवर्ड भी आवंटित कर दिए गए हैं और इस संबंध में प्रशिक्षण एवं सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा पिछले कई वर्षों से लगातार डिजिटल वर्क करने के ऊपर काम कर रही है। मेरे से पहले जो विधानसभा अध्यक्ष बुटेल साहब ने ई विधान को आगे बढ़ाया, उसको और आगे करते हुए ई विधान, ई कमेटी और उसके बाद ई कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट, इस प्रकार से 3 विषयों के ऊपर हिमाचल प्रदेश देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज जो वर्कशॉप हुई है, इसमें कांगड़ा जिला के 15 विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों को ई कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट की जानकारी देने का काम किया गया। किस प्रकार से प्रोजेक्ट्स जो सैंक्शन होते हैं, सैंक्शन हुए हुए प्रोजेक्ट्स को अपलोड करना और उसमें हुई प्रोग्रेस को लगातार मॉनिटर करना, विधायकों द्वारा, डिप्टी कमिश्नर द्वारा, ये एक बहुत लाभकारी काम है। ब्लॉक में एक एक पंचायत में 100-100, 200-200 काम चल रहे होते हैं, उनकी जानकारी बीडीओ को नहीं रहती है, विधायक को नहीं रहती है, एक्सीएन, आईपीएच, पीडब्ल्यूडी के काम की प्रतिदिन की स्थितियां वो भी ध्यान में नहीं होती है। इस दिशा में ई कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट जो ये ऐप है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है।
और हमने अधिकारियों को जहां प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनको आग्रह किया है कि वो इसको तुरंत अपने अपने कंप्यूटर पर अपलोड करें, सबको यूज़र आईडी पासवर्ड इशू किया है और हम आशा करते हैं कि हिमाचल डिजिटल इंडिया के मामले में जो मोदी जी का स्वप्न है उसको साकार करने में और तेजी से आगे बढ़े। विधायकों को लगातार विधानसभा में इन सारे विषयों की जानकारी दी जा रही है और विधायकगण इसके ऊपर काम निरंतर कर रहे हैं और ये जो अगला विधानसभा सेशन हमारा आने वाला है उस दौरान विधायकों को अलग से भी जो उनकी क्वेरीज रहेंगी उसका समाधान करने की व्यवस्था की जाएगी। तो विधायकों का आना कंपलसरी नहीं है और वो किसी कार्यों से अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहे होंगे और अल्टीमेटली विधायक और अधिकारियों के बीच में ये ऐप एक कड़ी का काम करे। कार्यशाला में योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष तथा ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तकनीक के माध्यम से प्रदेश में विकास को जोड़ा गया है जिसके सकारात्मक प्रभाव होंगे। उन्होंने इसका श्रेय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को दिया है।